प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिजार्ट और आपका स्वागत है लॉजिक गुरु में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉजिक गुरु चैनल की तरफ से हम आपको कई एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें आपके पटवारी जो अभी रिसेंट में चली रही है, संविदा आने वाली है, और अभी सबके राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा जो आपके सामने खड़ी है वो है आपकी राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा 2018। ठीक है, तो आज से हम जो तैयारी आपके करवाने जा रहे हैं वो है आपके राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा की, जो जिनकी डेट भी आ चुकी है वो है फरवरी 2018 में। ओके, तो अब से हम आपको इन्हीं राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा से रिलेटेड हम आपको वीडियो उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने पहले भी आपको वीडियो उपलब्ध कराए, लेकिन अब आप हमसे जुड़े रहिए। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम एक एक करके जो भी राज्य सेवा वन सेवा से संबंधित जो भी आपके लेक्चर वीडियो या क्वेश्चन वीडियो है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो आपको कई परीक्षाओं में काम आएंगे, ठीक है, तो हम आपको उपलब्ध कराते रहें और आपको मिलते रहें। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अभी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा यानी कि राज्य सेवा परीक्षा का प्रारूप पूरी डिटेल में। ओके, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी MPPSC 2018। ठीक है, आप जैसे जानते ही हैं, इससे हमारी दो परीक्षा जुड़ी हुई है, एक है आपकी राज्य सेवा परीक्षा और दूसरी आपकी राज्य वन सेवा परीक्षा। ओके, तो पहले आपके दोनों की एग्जाम अलग अलग होती थी, लेकिन अब हमारी जो है एक ही परीक्षा में दो परीक्षा जुड़ी हुई है, राज्य सेवा यानी कि स्टेट सर्विसेज और आपका फॉरेस्ट सर्विसेज। ओके, और इन्हीं का दोनों का एक कॉमन एग्जाम होगा आपका, और वो है MPPSC प्री प्रारंभिक परीक्षा, जो कि है आपका 18 फरवरी 2018 को। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन ना रखें कोई भी नए कैंडिडेट राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा के। जो देखें राज्य सेवा पद में अगर हम देखें तो 202 पद है, और वन सेवा में है आपके 100 पद, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग पद हैं, लेकिन दोनों एग्जाम एक ही डेट को होने वाली है और एक ही एग्जाम से दोनों क्लियर होंगे। ओके, तो हम देखेंगे उसमें अलग अलग सब्जेक्ट वगैरह कौन से हैं, तो दोनों का एक ही एग्जाम होगा और वो है MPPSC प्री 2018। ठीक है, चले सबसे पहले स्टेट सर्विसेज का देख लेते हैं, इसमें कुल पद आने वाले हैं 202। ठीक है, ओके, और प्रारंभिक परीक्षा तिथि है 18 फरवरी 2018। अगर इसमें हम पेपर देखें तो पहला पेपर होगा जीके, जिसमें कि संपूर्ण जीके आएगा, एमपी है, इंडियन हिस्ट्री वगैरह जीके है, साइंस इन्वायरमेंट सभी कुछ। ठीक है, कंप्यूटर वगैरह सभी कुछ, इसका हम बताएंगे आपको कौन कौन से सेक्शन सबसे ज्यादा आते हैं। तो पहला पेपर होगा आपका जीके का 100 questions का, और दूसरा होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सामान्य अभिरुचि का। ठीक है, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इसमें पहला पेपर होता है आपका मेरिट बनता है, जिससे यानी कि लगभग आपको 80% स्कोर करना होता है आपके पहले पेपर में, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, ओके, तो पहला पेपर होता है आपका मेरिट बेस पे, और दूसरा होता है इसमें क्वालिफाइंग, यानी कि आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, यानी कि जनरल में है आप तो 40%, और अगर अदर कैटेगरी से ओबीसी एसटी एससी हैं तो आपको 30% लाना होता है। ओके, तो यह है प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप, दो पेपर होंगे, पहला पेपर होगा 10 से 12 सुबह, और फिर दूसरा पेपर होगा 2:30 से 4:30 आपका सेकेंड। ओके, तो दोनों ध्यान रखिएगा, पहला मेरिट बेस्ड होगा और दूसरा होगा आपका क्वालिफाइंग। ओके, चले, और उसके बाद होगी इनमें जो आप क्वालिफाई करते हैं, यानी कि अगर हम देख लेते हैं अगर कट ऑफ वगैरह भी, तो मेंस प्री में कट ऑफ है जनरल का लगभग 80%, ओबीसी का होता है 78 to 79%। ठीक है ना, ओके, एससी होता है 75%, और एसटी होता है 65 to 70% के आसपास। तो इसमें क्लियर करने के बाद ही आपको मुख्य परीक्षा में पात्र होते हैं। ओके, तो मुख्य परीक्षा का हम आपको बाद में नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये है आपका राज्य वन सेवा परीक्षा, जो 3 चरणों में होगी, प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और आपका साक्षात्कार में। ओके, नेक्स्ट आपके एग्जाम जो है वो है राज्य वन सेवा यानी कि फॉरेस्ट सर्विस, जिसमें कुल पद आए हैं आपके 100 पद। ओके, इसकी भी परीक्षा वही है जो स्टेट सर्विसेज की, दोनों की कॉमन परीक्षा है जो होने वाली है 18 फरवरी 2018 को। ठीक है, पेपर दोनों इसमें सेम है, यानी कि पहला आपका सामान्य अध्ययन का 10 से 12, और दूसरा है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, राज्य वन सेवा परीक्षा में आपको दोनों में मेरिट लाना होता है, यानी कि दोनों में आप अगर क्या कहते हैं 80% के आसपास स्कोर करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी से आप क्या कहते हैं सेकेंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, स्टेट सर्विसेज में पहला ही पेपर पे मेरिट बनता है, जबकि वन सेवा परीक्षा में आपको दोनों में मेरिट लाना होता है। ओके, तो दोनों में लगभग जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको दोनों में 80% के आसपास स्कोर करना होता है। ओके, पैटर्न दोनों का सेम है, सामान्य अध्ययन में सभी विषय आएंगे आपके, जीके में सभी कंप्लीट आता है, एमपी एमपी हिस्ट्री वगैरह ज्योग्राफी साइंस इन्वायरमेंट सभी कुछ। ओके, जबकि सामान्य अभिरुचि में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट देखा जाता है, इनका डिटेल हम आपको पूरा बाद में समझाएंगे। ओके, तो इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आता है आपका मुख्य परीक्षा। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार राज्य वन सेवा में एक और चेंज किया गया है,
पिछली बार राज्य वन सेवा में मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षा होती थी, ठीक है ना, यानी कि अलग अलग पेपर होते थे, ठीक है। लेकिन इस बार से उन्होंने यहाँ पे बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर रख दिए हैं दो, ठीक है। तो यहाँ पे दो पेपर होंगे 100-100 मार्क्स के। पहले पेपर में अगर हम देखेंगे 100 मार्क्स में, तो उसमें सामान्य अध्ययन, एमपी का सामान्य परिचय, आपका मैथ्स, हिंदी और आपका जनरल इंग्लिश आएगा। तो फर्स्ट पेपर का आपका ये सामान्य अध्ययन सभी का, भारत वारत विश्व का कंप्लीट, उसके बाद एमपी, एमपी के बाद हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश और उसके बाद आपका, ठीक है, मैथ्स। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पेपर का। सेकंड पेपर में आप देखें वो भी 100 क्वेश्चंस का ही होगा ऑब्जेक्टिव, उसमें आएगा आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पिछली बार यहाँ पे लिखित पेपर होते थे अलग अलग विषयों के, ठीक है, लेकिन इस बार यहाँ पे उन्होंने चेंज किया और मुख्य परीक्षा को भी ऑब्जेक्टिव बना दिया है। अब ध्यान रखिएगा ये नया पैटर्न है, इस बार नया चेंज है। तो यहाँ पे आपको लिखित परीक्षा की तैयारी नहीं करना है जैसे कि राज्य सेवा परीक्षा में होता है, ओके। तो यहाँ पे एक ही छोटा सा चेंज है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की देखें तो दोनों परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आवेदक को स्नातक होना जरूरी है, ठीक है, ओके। तो स्नातक में ध्यान रखिएगा, अगर आप फाइनल ईयर में हैं और अगर प्री एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन आपको मेंस के यानी कि आप प्री में क्वालिफाई कर जाते हैं और मेंस में बैठना चाहते हैं लिखित परीक्षा में, तो उसके लिए आपको स्नातक की डिग्री आपके हाथ में होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि आप अगर प्री में बैठना चाहते हैं तो आप अभी अगर रनिंग चल रहा है आपका, स्नातक ग्रेजुएशन चल रहा है, तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन मेंस तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग स्नातक में, ठीक है। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हो गई आपकी स्नातक, ओके, ग्रेजुएशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा प्री में रनिंग वाले भी बैठ सकते हैं, यानी कि स्नातक जिनका चल रहा है, लेकिन मेंस तक आपको कंप्लीट होना जरूरी है स्नातक, ओके, ठीक है। तो ये तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हो गई, और इसके अलावा आरक्षण और अन्य संबंधी योग्यता आप हमारे नीचे लिंक में देख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे आप लिंक में देख लें, नीचे लिंक दिया हुआ है, ओके दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2018 का प्रारूप के बारे में आपको वीडियो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे रिलेटेड हम आपको एक से एक आपको मतलब इसके सर्वश्रेष्ठ आपको लेक्चर उपलब्ध कराने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में, ओके। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ओके। और आप हमसे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे भी हम आपको पीएससी के नोट्स उपलब्ध कराएंगे, देखिए नीचे लिंक दिया हुआ है facebook.com/logicguru2016। और आप ट्विटर पे भी अगर हमको फॉलो करना चाहते हैं नोट्स के लिए, राज्यसभा परीक्षा की तैयारी के लिए, तो twitter.com/logicguru_logic पे आप फॉलो कर सकते हैं, ओके ओके दोस्तों। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें, और किसी प्रकार भी कोई भी क्वेरी हो रहा है जैसे परीक्षा से संबंधित, वीडियो संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार की अपडेट आपसे ना छूटे इसलिए प्लीज नीचे बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें, ओके, थैंक यू।